हेलो बच्चा पार्टी। तो जस्ट अगर अपन बात करें रीप की, तो फाइनली ये डिसाइड हो चुका है कि रीप जो है ये जेई मेन के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें जेई मेन के बेसिस पे हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, क्या क्या कर सकते हैं अपन अब। तो यार जो बच्चे जिनको कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लेना था और जिनके जेई के अंदर कम रैंक है और 12th के अंदर उस पर ओबियसली हाई रैंक आई है सभी के, सभी को खूब नंबर मिले हैं, 100 तक गए हैं सभी, 96 95, इसीलिए 12th के बेसिस पे नहीं हो रहा है, जेई के बेसिस पे हो रहा है। तो अब वो बच्चे क्या करेंगे जिनके जेई के अंदर लो रैंक है और जिनका ड्रीम था कंप्यूटर साइंस लेना, और अब जो वो उनको अगर सिविल भी मिले तो क्या फ़ायदा, उनका ड्रीम तो कंप्यूटर साइंस है ना, तो वो तो कंप्यूटर साइंस के पीछे रहेंगे तो फिर उनका क्या होगा, राइट। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि सारी सीटें जेई के जो स्टूडेंट है वो ही ऑब्जर्व कर ले, ये हो सकता है कि लास्ट के अंदर ये भी ऑप्शन आ जाए कि कुछ बच्चे जो है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे, जब भी जेई वगैरह क्लोज हो जाएगी रैंकिंग तो 12th के मार्क्स के बेसिस पे हो सकता है ऐसा आ जाए ऑप्शन। लेकिन जिन बच्चों के 90% है या फिर 95 से कम है, 96 से कम है, हो सकता है उनका ऑप्शन ना आए, राइट। तो यार अगर तुमने डिसाइड कर रखा है कि तुम्हें अगर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही एडमिशन लेना है, प्राइवेट में नहीं लेना, ओके, तो दस लाइक इसके लिए तो बस बाहर जाना पड़ेगा। जिनके जिन बच्चों के 98% है, 99 है, ठीक है, 12th के अंदर और जेई के अंदर अच्छे स्कोर नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 98% आ रखे हैं अभी RBSE बोर्ड में, 95% आ रखे CBSE बोर्ड के अंदर राजस्थान, लेकिन जेई दिया ही नहीं है उन लोगों ने, अटेम्प्ट ही नहीं किया जेई सेशन, और वो ड्रॉप भी नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस राजस्थान के अंदर ऐसे भी है रीप के अंदर जिनके अंदर कोई एडमिशन लेना ही नहीं चाहता, जैसे लाइक वो मारवाड़ एरिया के अंदर जो भी है, कि ना वहाँ पे प्लेसमेंट होता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, ना टीचर है उनके पास, ना फैकल्टी है, ना पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे एडमिशन लेने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो फिर जस्ट लाइक अगर तुम्हें जस्ट जयपुर से हो और MBM जोधपुर की ओर जा रही हो, अगर तुम्हारा एडमिशन लेने का एम है लाइक कंप्यूटर साइंस और तुम्हें मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग जिसकी भी कोई चल नहीं है, तो तुम डायरेक्टली इजीली छोड़ सकते हो रेप को, ओके, और तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो वो कर सकते हो अदर यूनिवर्सिटी लाइक पंजाब है, दिल्ली है, गुजरात है, JF चंडीगढ़ है, JF दिल्ली है, और भी बहुत सारे अदर अदर प्लेटफॉर्म हैं, और जस्ट लाइक करियर कोर्स चूज कर सकते हो तुम, ग्रोइंग जो कोर्सेज होता है जस्ट लाइक एरोस्पेस है, एविनेशन टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, बहुत ही बूम पे चल रहा है और इसका स्कोप कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ओके बच्चों। तो ये जस्ट लाइक फूड ऑप्शन तो नहीं है बट और कोई चारा भी नहीं है, कि जो बच्चे जयपुर से जोधपुर के लिए जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस लेना था, मिल नहीं रहा है, सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा वहाँ पर लेने का, तो तुम डायरेक्टली जा सकते हो दिल्ली की ओर, जो है पंजाब की ओर, गुजरात की ओर, अगर तुम्हें लेना ही है कंप्यूटर साइंस वगैरह। वैसे ऐसा बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है कि हर जगह राजस्थान की तरह भर भर के नंबर दिए हो, ठीक है ना, वहाँ पे ऐसे नहीं दिए, ठीक है। जस्ट लाइक IK कुदरत है, MRSP जो है, ऐसे भी कुछ है जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, जैसे IPU है दिल्ली की और JEE दिल्ली के अंदर अप्लाई कर सकते हो, तो जस्ट लाइक जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, अच्छा कॉलेज है वो, MRSPTU में अप्लाई कर सकते हो, जस्ट लाइक एरोस्पेस ले सकते हो PSAC पटियाला में, ओके, और जो ACPC की भी काउंसलिंग स्टॉप हो गई है, ठीक है, 22 अगस्त तक थी वो, ठीक है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। और जस्ट लाइक जैसे ये IPU वगैरह की डायरेक्ट एडमिशन अभी स्टार्ट होगी, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो डायरेक्टली 12th के बेस के ऊपर मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो अगर तुम्हारा एम है कुछ अच्छा कोर्सेस लेने का और वो अगर जेई के बेसिस पे, जेई अगर तुमने दिया नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी सीटें तो उतनी ही रहने वाली है जितनी हर बार होती है, लेकिन इस बार जो है जेई जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं वो बच्चे ले सकते हैं इजीली, ठीक है, तो उन बच्चों को ही रिसीव होगा वो कॉलेजेस, तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि MBM से ज़्यादा पैकेजेस मिल सकता है तुम्हें आउट ऑफ राजस्थान, ठीक है, और इसका तो 10 लाख कितना पैकेज हो सकता है, 10 लाख ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 15 लाख मान लो, ठीक है ना। जस्ट लाइक अगर तुम PTU में ले सकते हो एडमिशन, MRSPTU एंड अदर अदर बहुत सारे कोर्सेज जो कॉलेजेज हैं। जस्ट अपन अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज की, तो आप देख सकते हैं जस्ट लाइक ये IK गुजरात पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब का ब्रांड कॉलेज है,
ओके सो यू कैन गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। ओके बच्चों, तो जस्ट लाइक ये कॉलेज है MRSPTU महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट लाइक आपको एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है, ठीक है, जो कि बूम कोर्सेस है। डायरेक्टली तुम FGATE का टेस्ट देके 4 ईयर के बाद डायरेक्टली पायलट बन सकते हो एयरफोर्स के अंदर, ठीक है। इट्स वेरी गुड फॉर यू, गुड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अभी फॉर्म स्टार्ट है, 1 तारीख तक चलेंगे, तो अगर आपका यहाँ पर नहीं हो रहा है तो CU CET के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर राजस्थान के अंदर तकरीबन 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ठीक है ना, और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल जो CU CET के रैंक के हिसाब से ले लेती है एडमिशन। ओके तो यू कैन गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। और अगर अपन बात करें पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, तो दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस एंड इट्स प्रोवाइडिंग एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल एंड BBA इन एविनेशन एंड अदर कोर्सेज। दिस इज फुल्ली गवर्नमेंट, सो यू कैन गेट एडमिशन इजीली इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक बाबा। अगर आपको और भी बहुत कुछ मदद चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, तो आप उस पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।